दोस्तों, अगर आप शार्दुल ठाकुर को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2023 का नवा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला गया। वहीं आपको कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों की तूफानी पारी का पूरा हाईलाइट दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ किस तरीके से आरसीबी के खिलाड़ियों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली शानदार तूफानी पारी खेली, उसका भी पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों, आप केकेआर और आरसीबी में दोनों टीमों में से किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आज के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है, जहां पर वेंकटेश अय्यर और गुरबाज पारी की शुरुआत करने के लिए ओपनिंग के तौर पर आते हैं। वहीं रहमानुल्लाह गुरबाज ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दमदार शुरुआत दिलाई, जहां पर दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 3 ओवर में 26 रन की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं डेविड बिली ने अपने दूसरे ओवर में कोलकाता को पहला झटका दे दिया, जहां पर वेंकटेश अय्यर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां पर उन्होंने इस दौरान केवल 3 रन ही बनाए थे। वहीं बेंगलोर ने पावर प्ले में कोलकाता के 2 विकेट गिरा दिए थे, जहां पर वेंकटेश के बाद मनदीप भी पवेलियन लौट जाते हैं और वह खाता भी नहीं खोल सके थे। वहीं दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने पावर प्ले के बाद कप्तान नीतीश राणा का भी विकेट गंवा दिया, जहां पर राणा ने 5 गेंद में केवल 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के 3 विकेट गिर चुके हैं। लेकिन वहीं सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज एक छोर से टिके होते हैं और अर्धशतक पूरा करने के करीब धीरे धीरे पहुंच रहे होते हैं। वहीं रहमानुल्लाह गुरबाज अर्धशतक लगाने के बाद पवेलियन लौट जाते हैं, जहां पर उन्होंने 44 गेंदों में 57 रन की शानदार पारी खेली और इस पारी के दौरान उन्होंने 6 शानदार चौके और 3 बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के भी लगाए। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ा झटका लगता है, जहां पर टीम के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं और वहीं करण शर्मा ने अपने दूसरे ओवर में लगातार गेंदों पर 2 विकेट हासिल कर लेते हैं। वहीं 12वें ओवर में लगातार गेंदों पर 2 विकेट गंवाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी को रिंकू और शार्दुल ठाकुर ने शानदार तरीके से संभाला, जहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच 16 गेंदों में 35 रन की साझेदारी हो जाती है और दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने 20 गेंदों में दमादम 50 जड़ दी और उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 शानदार बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के भी जड़े और इसी के साथ ही शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह ने कोलकाता की मैच में वापसी करा दी। ठाकुर और रिंकू के बीच 6ठे विकेट के लिए 41 गेंद में 86 रन की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह 33 गेंद में 46 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, जहां पर रिंकू और शार्दुल के बीच 47 गेंद में 103 रन की साझेदारी हो जाती है। वहीं शार्दुल ठाकुर 29 गेंद में 68 रन की इस धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। शार्दुल ने रिंकू के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी करके टीम को 200 के स्कोर के पार पहुंचा दिया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 204 रन बना लेते हैं, जहां पर टीम के लिए शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 68 रन बनाए थे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने शार्दुल ठाकुर जो कि 68 रन बनाकर आउट हुए थे और रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि 57 रन के अर्धशतक की मदद से मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी के खिलाफ 7 विकेट पर 204 रन बना लिए थे और इन दोनों के अलावा रिंकू सिंह ने 46 रन का योगदान दिया। आरसीबी के लिए डेविड बिली और कर्ण शर्मा ने 2-2 विकेट जबकि माइकल ब्रिसवेल और हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट झटके। वहीं 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और हाफ डुप्लेसी पारी की शुरुआत करने के लिए ओपनर के तौर पर क्रीज पर आते हैं, जहां पर कोहली ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाया और पहले ओवर में बेंगलोर ने 10 रन बना लिए थे। वहीं बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली 18 गेंद में 21 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, जहां पर उन्हें सुनील नरेन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं ग्लेन मैक्सवेल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए, जहां पर हाफ डुप्लेसी को आउट करने के बाद वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को भी पवेलियन भेज दिया, जहां पर मैक्सवेल ने 7 गेंद में 5 रन ही बना पाए थे और इस तरीके से बेंगलोर का 3रा विकेट गिर जाता है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 8 ओवर में ही 4 विकेट गिर चुके होते हैं, जहां पर वरुण चक्रवर्ती ने अपने दूसरे ओवर में मैक्सवेल और हर्षल पटेल को भी पवेलियन भेज दिया और इस मैच में वरुण चक्रवर्ती का यह 3री सफलता थी। इससे पहले वह डुप्लेसिस और मैक्सवेल को भी आउट कर चुके थे। 8 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 54 रन हो जाते हैं। वहीं 61 रन के स्कोर पर कोलकाता की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी होती है, जहां पर शाहमाज अहमद 5 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां पर सुनील नरेन ने उन्हें शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच करा दिया। ईडन गार्डन के पिच पर आरसीबी की टीम स्पिन गेंदबाजों का सामना सही तरीके
तरीके से नहीं कर पा रही थी। अब तक सभी 5 विकेट स्पिन गेंदबाजों के ही नाम रहे। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 3 और सुनील नरेन ने 2 विकेट हासिल किए थे। लेकिन इसके बावजूद भी माइकल ब्रिसवेल और दिनेश कार्तिक अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं 83 रन के स्कोर पर RCB का 6ठा विकेट गिरता है, जहां पर माइकल ब्रिसवेल 18 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां शार्दुल ठाकुर ने उन्हें कप्तान नीतीश राणा के हाथों कैच करा दिया। अब दिनेश कार्तिक के साथ अनुज रावत क्रीज पर होते हैं और अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं 84 रन के स्कोर पर RCB का 7वां विकेट गिरता है, जहां पर अनुज रावत 5 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिन्हें सुयश शर्मा ने सुनील नरेन के हाथों कैच करा दिया। जहां अनुज RCB के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और कोलकाता के इम्पैक्ट प्लेयर सुयश शर्मा ने ही उन्हें आउट कर दिया। 86 रन के स्कोर पर RCB का 8वां विकेट गिरता है, जहां पर दिनेश कार्तिक 8 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां पर सुयश शर्मा ने उन्हें वरुण चक्रवर्ती के हाथ शानदार तरीके से कैच कराया। अब डेविड विली और करण शर्मा क्रीज पर होते हैं और अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं 96 रन के स्कोर पर RCB का 9वां विकेट गिर जाता है, जहां पर करण शर्मा 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां पर सुयश शर्मा ने उन्हें नीतीश राणा के हाथों कैच करा दिया। अब डेविड विली के साथ आकाशदीप क्रीज पर होते हैं और अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और ये दोनों खिलाड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की 81 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही कोलकाता की टीम ने टूर्नामेंट में पहली जीत भी हासिल कर ली, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन बनाए। इसके जवाब में बेंगलोर की टीम 130 रन पर ही सिमट गई और मैच हार गई। वहीं कोलकाता की जीतने के बाद पूरे पॉइंट टेबल में भी बड़ा बल्ला हो गया है, जहां पर कोलकाता तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं गुजरात 2 मैच खेला है, 2 मैच जीता है और पहले स्थान पर बरकरार है। वहीं पंजाब 2 मैच खेला है, 2 मैच जीत गया है, जबकि दूसरे स्थान पर है। वहीं कोलकाता तीसरे स्थान पर है, जो कि 2 मैच खेला है और 1 जीता है और 1 हारा है। वहीं चौथे स्थान पर राजस्थान है, जिसने 2 मैच खेला है, 1 जीता है और 1 हारा है। वहीं लखनऊ पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर है, जहां पर लखनऊ ने 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है और 1 मैच हार गया है। वहीं 6ठवें नंबर पर चेन्नई है, जहां पर चेन्नई 2 मैच खेला है, 1 मैच हारा है और 1 मैच जीता है। वहीं पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर बंगलोर है, जहां पर बंगलोर ने 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है और 1 मैच हारा है। वहीं 8वें स्थान पर दिल्ली है, जहां पर दिल्ली 2 मैच खेला है और दोनों ही हार गया है। वहीं 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस है, जहां पर मुंबई इंडियंस 1 मैच खेला है और उसको भी हार गया है। वहीं सबसे लास्ट यानी 10वें स्थान पर हैदराबाद है, जहां पर हैदराबाद ने 1 मैच खेला है और उसको हार गया है, जबकि गुजरात 2 मैच खेला है, 2 मैच जीता है और इस प्रकार टॉप पर बरकरार है।